एक्चुअली बहुत बहुत बढ़िया सवाल किया है आपने. मेरा ये मानना है कि मैं कोशिश नहीं करती हूँ हटके बनने की या हटके होने की. मुझे लगता है कि हर इंसान में इतनी क्षमता है कि वो अलग अलग चीज़ें कर सके, पर अक्सर हम अपने आप को एक या दो चीज़ों को सीमित करते हैं. जैसे हम चाहते तो हैं कि हम ये भी करें वो भी करें, लेकिन शायद कोई बोलेगा कि मैं सिर्फ अभी जर्नलिस्ट ही रहूँगा, या फिर मैं सिर्फ एक मार्केटिंग बॉस रहूँगा, या फिर मैं एक चैनल बॉस रहूँगा. तो मुझे लगता है कि क्योंकि मुझे इतनी सपोर्ट मिल पाती है ऐसे ही चैनल बॉसेस और मार्केटिंग बॉसेस की वजह से, तो अगर ऐसा इकोसिस्टम है आपके इर्द गिर्द जो आप जो करना चाहते हैं उसे सपोर्ट करने को तैयार है, तो फिर कमी क्या है. तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि हम सब कुछ करना चाहते हैं. बहुत से ऐसे लोग हैं जो अलग अलग चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन किसी ना किसी कारण से वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि नहीं छोड़िए ना, अभी यही करते हैं. तो मेरी कोशिश रही है कि मेरी एक लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट. मुझे लगता है कि जिस दिन मैं बहुत बूढ़ी हो जाऊँगी मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ रह गया. और जहाँ तक कि सपोर्ट सिस्टम की बात की, मेरी ज़िंदगी में बहुत ही कुछ इम्पॉर्टेंट पुरुष हैं. वो मेरे फादर हैं, उन्होंने मुझे एक बहुत ही बढ़िया अपब्रिंगिंग दी है. मुझ में और मेरे भाई में कोई फ़र्क नहीं समझा. मेरे भाई हैं जो मुझे अपने भाई और भाई की तरह ही समझते हैं. और मेरे हस्बैंड हैं जो मुझे बस बहुत सपोर्ट करते हैं. एक दोस्त की हैसियत से मुझे देखते हैं. और शायद मैं खुश नसीब हूँ कि ये सब लोग जो, और मेरे मैनेजर बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट. हम जो शोबिज़ में होते हैं अक्सर हमारा जो एजेंडा जो होता है वो हमारे मैनेजर सेक्रेटरीज एजेंट्स ड्राइव करते हैं. लेकिन जो मेरे मैनेजर हैं 10 साल से, विवेक सिधवानी करके हैं, उनकी मेरी बहुत बढ़िया ट्यूनिंग है. तो जितनी सपोर्ट मुझे इन चार पुरुषों से मेरी लाइफ में मिली है और अब भी मिल रही है, दोनों तरफ पुरुष खड़े हैं मेरे, मैं मानती हूँ यही कारण है कि महिला सशक्तिकरण का एक प्रतीक मैं कुछ लोग मानते हैं मैं हूँ. हमने तो सिर्फ उनको सजेस्ट किया था कि आप महिंद्रा स्कॉर्पियो गेटवे लीजिए, बिकॉज ये जो महिंद्रा स्कॉर्पियो का प्लेटफॉर्म है इट्स अ यू नो टफ रगेड डीएनए. तो हमने तुमको सही गाड़ी सजेस्ट करी थी, लेकिन बाकी जो कस्टमाइजेशन इसके ऊपर हुआ है स्कॉर्पियो गेटवे पे, ये सारा इन्होंने खुद डिसाइड किया है कि क्या क्या इसमें लगना है, तो उसके बारे में वही बताएंगी. एक्चुअली मेरा महिंद्रा स्कॉर्पियो के साथ थोड़ा पुराना रिश्ता है. विवेक जी आपको याद होगा 2005 में हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी. तो उस वक्त मैं एक स्कॉर्पियो ख़रीदने के चक्कर में थी, लेकिन जो मार्केट में स्कॉर्पियोज़ मिल रही थी वो फोर व्हील ड्राइव में नहीं मिल रही थी. नया इंजन लॉन्च हुआ था CRD इंजन, जो कि यूरो 3 भारत 3 स्पेसिफिकेशंस के लिए बनाया गया था, लेकिन जो 4x4 वर्जन थे वो ये एक्सपोर्ट कर रहे थे अफ्रीका में. तो मैंने गुजारिश की कि अगर आप बनाए, आपके पास 4x4 गियर बॉक्स है, आप क्यों नहीं CRD इंजन में बना देते. तो जो पहली 4x4 स्कॉर्पियो भारत में बनी थी CRD इंजन में वो मेरी थी. और वहाँ से एक हमारा रिश्ता शुरू हुआ और बहुत बढ़िया साथ दिया उस गाड़ी ने मेरा. अभी भी हमारे पास वो गाड़ी है चंडीगढ़ में, बढ़िया साथ दे रही है. और जब बहुत से मिस एडवेंचर्स कर हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हमें कुछ काफ़ी कस्टमाइजेशंस करनी पड़ेंगी, क्योंकि जिस तरीके की कैलकुलेटेड रिस्क हम लेते हैं उनके लिए गाड़ी की क्षमता बहुत ज़रूरी है नंबर 1, और उसमें 2-3 कस्टमाइजेशंस बहुत ज़रूरी थी. तो हमने सबसे पहले तो गाड़ी का थोड़ा सा रेंज किया, सस्पेंशन को रेंज किया, फिर एक रूफ टॉप टेंट लगाया, क्योंकि कहीं पर भी आप अगर मैं खुल नहीं पा रहा यहाँ पर जगह की कमी की वजह से, पर वो रूफ टॉप टेंट बहुत ही बड़ा एक एसेट है, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी कहीं पर भी आप लैंडस्लाइड की वजह से आपको रुकना पड़ता है तो वहीं पर आपका टेंट लग सकता है. फ्यूल, नॉर्मली हम लोगों को जेरी कैंस में फ्यूल कैरी करना पड़ता है, क्योंकि जो दूर दराज के इलाके होते हैं वहाँ पर फ्यूल स्टेशन नहीं होते. तो इसमें एक ऑक्सिलरी फ्यूल टैंक है जहाँ पर एक्स्ट्रा फ्यूल ऑलरेडी गाड़ी में है. 2 फ्यूल टैंक्स हैं गाड़ी में. एक्स्ट्रा लाइटिंग बहुत है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा लद्दाख में सड़कें जो ऑफ रोड टेरेन होती है वहाँ पर सड़कें बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती हैं, कहाँ पर मोड़ है कहाँ पर खाई है मालूम नहीं पड़ता. तो जब आगे कोई गाड़ी सामने नहीं आ रही है, उनको हम नहीं चाहते कि हमारी लाइटों से किसी को अंधा करें, पर जब कोई गाड़ी सामने नहीं आ रही है तो फिर हम लाइट्स ऑन करके पूरी अच्छे से लैंडस्केप को देख सकते हैं. और
वाटर भी है, क्योंकि नॉर्मली जब आप ऑफ रोड ट्रिप्स पर जाते हैं आपकी जो स्टे होती है वो वाटर पर निर्भर होती है, किसी स्ट्रीम के बगल में, किसी रिवर के बगल में, क्योंकि पानी की तो आवश्यकता होती है। इसमें 100 लीटर का स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक है, तो जो आपको 2-3 दिन तो आपके आराम से निकल जाएंगे जब आप ऑफ रोडिंग ट्रिप पर हैं। लाइट्स बहुत है, एडिशनल एक रिवॉल्विंग सर्च लाइट है जो भी लगी नहीं हुई है यहाँ पर, और विंच है कि अगर हम कहीं फंस जाए तो हम अपने आप को रिकवरी इस विंच द्वारा रिकवरी कर सकें, पुल आउट कर सकें। तो ऐसे हाई लिफ्ट जैक भी है कि अगर किसी भी कारण से बहुत बड़ा पत्थर आपकी बॉडी के नीचे आ गया और आपके पहिए एक पहिया हवा में आ गया तो ट्रैक्शन नहीं मिलेगी आपको चारों पहियों से, तो फिर वो हाई लिफ्ट जैक के जरिए आप गाड़ी को लिफ्ट करके कुछ नीचे से अगर क्लियर कर सकते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन है।